Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Myself, C. maheshwari a proud Fintrama and your faculty for management accounting. Welcome, welcome to the orientation session of management accounting. And in this particular session, we will be talking about two things. First, the syllabus area of management accounting, and secondly, the exam pattern of management accounting. And trust me, guys. मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ईजी सब्जेक्ट है बस आपको यू नो यू हैव टू वर्क ऑन टू एरियाज फर्स्ट द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड सेकेंड यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड डोंट वरी गाइस आपके साथ फिन है और जब फिन है तो यू कैन डू इजीली एवरीथिंग वी विल बी प्रैक्टिसिंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ड्यूरिंग द सेशन हम सेशन के साथ भी एंड वी विल बी डूइंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन द वीडियो क्वेश्चन मैराथन तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत हार्ड है हमसे नहीं होएगा नो no. हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी बिल्ड करेंगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे एंड इवेंचुअली हम फ्लाइंग कलर्स के साथ

इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम यू नो वी विल बी स्टडिंग अबाउट व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्योंकि यू नो इट्स अ न्यू सब्जेक्ट तो हम पहले ये अंडरस्टैंडिंग तो ले कि मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्या होता है है तो हम बेसिक टर्म्स जो लेकिन कॉन्सेप्ट को उसको अंडरस्टैंड करेंगे एंड दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका अगर एक बार बेस स्ट्रांग हो जाएगा ना तो इट्स विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में इट्स बेसिकली मोर अबाउट इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो चीजें करेंगे सो अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट सोर्सेज ऑफ डेटा कॉस्ट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन दीज आर दॉपिक्स जो हम यहां पर कवर करेंगे एंड अमंगज टॉपिक कॉस्ट क्लासिफिकेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहां हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट यू नो वी विल भी स्टार्टिंग अभी तक आपने सिर्फ कॉस्ट पड़ा होगा लेकिन यहां तक हम पढ़ेंगे वट इज फिक्स कॉस्ट वॉट इज वेरिएल कॉस्ट वट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट उनके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत मजा आने वाला है द सेकेंड सेक्शन विच वी हैव ए सेक्शन बी दैट इज अबाउट डेटा एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक यहां हम ये स्टडी करेंगे दैट हाउ वी कैन यू नो बाई यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स एंड यू नो मैथड्स हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग वी विल भी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट डिफरेंट पोकास्टिंग टेक्निक वी विल भी अंडरस्टैंडिंग अबाउट को रिलेशन वी विल भी अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टैंडर्ड एविएशन कि इन सबको हम कैसे यूज करके जो गिवन डेट Sake meaningful information gather curse okay, and then according to that, we can you know take some decision for our organization. So that's what we are going to do over here. So over here we will be studying topics like sampling methods, forecasting techniques, summarizing and analyzing data, and how to prepare spreadsheet. These are all topics which is being covered in your section B. And then the next section is section C that's regarding cost accounting technique. Yeh कोर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यहाँ हम समझेंगे कि हाउ यू नो यू कैन कैलकुलेट कॉस्ट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द बाइफिकेशन ऑफ कॉस्ट कि मटेरियल क्या होता है लेबर क्या होता है ओवरहेड क्या होता है इनका किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है वो सारा अकाउंटिंग प्रस्पेक्टिव जो है ना रिगार्डिंग द कॉस्ट वो यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग हाउ कॉस्ट इज बिंग कैलकुलेटेड इन यू नो मैनुफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हाउ कॉस्ट इज बीन कैलकुलेटेड व्यव बैच कॉस्टिंग इज

हम अंडरस्टैंड हाँ करेंगे दैट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू बजट टू प्लान दैट्स वन थिंग देन व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट होते हैं देन समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड समथिंग वेरी वेरी यू नो इंटरेस्टिंग दैट्स कैपिटल बजटिंग कैपिटल बजटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो फर्स्ट टाइम आप एम में पढ़ेंगे देन यू विल बी गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक अगेन इन पी एम देन एफ एम देन इन ए पी एम देन इन ए एफ एम सो आप समझ रहे कितना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक जो आप सिर्फ एक जगह नहीं आप आगे भी इन योर यू नो कम फोर पेपर में भी आप कवर अप करोगे यहां बहुत बेसिक लेवल पे होगा एज यू प्रोसीड फर्दर तो थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आ जाएंगे बट अगर तुम्हारा बेस यहां पर सॉलिड बन गया तो आगे के पेपर में कितना ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए यू विल नो यू कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग सो

what is variance how these variants are being used for analyzing your performance these are all topics which we are going to understand in this particular segment and again just like capital budgeting year topic be future may in your you know performance management and in your fm this topic is also going to repeat so yes it's an important topic then the next topic is you know the next section which we have is performance measurement दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट यू नो आई वुड से रियली इम्पॉर्टेंट सेक्शन यहाँ हम ये यह अंडरस्टैंड करेंगे दैट हाउ इन अ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इज बीइंग मेजर्ड इन दी फिनेशियल टर्म्स इन नॉन फिनशियल टर्म्स एंड उसके लिए क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ होती हैं हाउ रेशोज़ कैन बी यूटीलाइज फॉर मेजरिंग योर परफॉर्मेंस हाउ द टेक्निक ऑफ बैलेंस कोर्ट कार्ड बेंच मार्किंग इज बिंग यूटिलइज टू मेजर द परफॉर्मेंस हाउ यू नो बाई असेसिंग योर क्वालिटी योर प्रोडक्टिविटी यू कैन असेस योर परफॉर्मेंस ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे और बहुत मजेदार तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे विद एग्जाम्पल्स विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन ड्यूरिंग द सेशन इन द वीडियो क्वेश्चन मैथ था उनकी एग्जाम में आपको लगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग इससे इजी कोई पेपर नहीं हो सकता सो दिस इज ऑल अबाउट वॉट दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस एरिया द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज एग्जाम पैटर्न सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑन डिमांड पेपर है इट्स अ टू आर पेपर ऑफ हंड्रेड मार्क्स और जो पूरा पेपर है इट्स बीइंग डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन ए एंड सेक्शन बी सेक्शन ए में आपके थर्टी फाइव क्वेश्चन है ऑफ टू मार्क्स ईच मेकिंग द टोटल टू सेवेंटी मार्क्स ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है एनसी क्यू बेस्ड क्वेश्चन है सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं सो ओवर यू हैव बेसिकली थ्री क्वेश्चन ईच एंड थर्टी मार्क्स

questions with us that's all you have to do hum se milenge, but we'll, we are going to you know meet again in the first session that's the introduction to management accounting till then this is Heshwari, signing off